गोल्ड आपके लिए एसेट नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना कि गोल्ड आपके लिए कोई एसेट नहीं है, और अपनी यह बात मैं इस वीडियो के जरिए आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और हो भी सकता है कि मेरी यह वीडियो देख के बहुत से फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर्स मेरी आलोचना भी करें, लेकिन इन सब आलोचनाओं से परे मेरा मकसद आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना है। इसलिए अगर आप गोल्ड की ज्वेलरी खरीदने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक एक बार जरूर देखें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। तो चलिए बिना आपका कीमती समय वेस्ट किए वीडियो के मेन मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड के इतने ज्यादा महंगे और पॉपुलर होने की। आपको लगता होगा कि गोल्ड बहुत ही रेयर मेटल्स में से एक है, और माइनिंग जैसे मुश्किल प्रोसेस के बाद इसे जमीन से खोद के निकाला जाता है, इसलिए यह इतना महंगा है। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे प्रेशियस मेटल्स हैं जो गोल्ड से भी ज्यादा मुश्किल तरीकों से जमीन के नीचे से निकाले जाते हैं। फिर गोल्ड ही क्यों इतना पॉपुलर और महंगा है? इस सवाल का जवाब छिपा है डिमांड एंड सप्लाई के बीच के अंतर में। जिस चीज की डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम, तो जाहिर सी बात है उस चीज का प्राइस हमेशा हाई रहेगा, और गोल्ड के केस में भी यही सब हो रहा है। माइनिंग जैसे मुश्किल प्रोसेस के जरिए गोल्ड निकाला जाता है जिसमें समय ज्यादा लगता है, और इसी समय के बीच गोल्ड की डिमांड बढ़ती ही चली जाती है। गोल्ड की सप्लाई की स्पीड कम होने से डिमांड एंड सप्लाई के बीच का अंतर बढ़ता चला जा रहा है, जिससे गोल्ड के प्राइसेस आए दिन नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है गोल्ड की जमाखोरी। इकोनॉमिक्स का एक सिंपल सा रूल है कि जिस चीज की जमाखोरी बढ़ेगी उस चीज के दाम बढ़ना स्वाभाविक है। गोल्ड की सप्लाई जो पहले से ही लिमिटेड एंड स्लो है, उसे आप और हम जैसे लोग अपने घरों में स्टोर करके गोल्ड की सप्लाई को और ज्यादा कमजोर बना रहे हैं। एक स्टडी के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 800 टन और इंडियन हाउसहोल्ड लेडीज के पास 27,000 टन गोल्ड ज्वेलरी की फॉर्म में उनकी अलमारियों में जमा हो रखा है। जब गोल्ड की पीछे से सप्लाई कम आएगी और ऑलरेडी मार्केट में जो सप्लाई चल रही है वो अलमारियों में जमा होती चली जाएगी, तो गोल्ड के रेट तो ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इसलिए बहुत सारे लोग गोल्ड को सेफेस्ट एसेट मानते हुए इसमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन क्या ये एसेट आपके फायदे का है भी या नहीं, आइए वो भी जान लेते हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बेसिकली तीन तरीके हैं। पहला, गोल्ड ETF, जिसमें हम अपना पैसा कुछ फंड मैनेजर्स को देते हैं जो हमारे पैसों को गोल्ड ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर हमें रिटर्न्स जनरेट करके देते हैं। दूसरा तरीका है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जिसमें हम अपना पैसा सरकार को देते हैं, जिसमें कुछ सालों का लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि कुछ सालों तक हम अपने गोल्ड बॉन्ड को बेच नहीं सकते लेकिन उसे हर दिन ट्रैक कर सकते हैं। इन सालों के दौरान सरकार हमें साल का 2.5% इंटरेस्ट भी देती है, जो सीधा हमारे बैंक अकाउंट में आता है। तीसरा तरीका है फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड में भी दो कैटेगरीज है, जिसमें 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी एंड 24 कैरेट गोल्ड कॉइन्स आते हैं। 90% लोग सारे ऑप्शंस को छोड़ 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं, ये सोचते हुए कि ज्वेलरी को यूज भी कर लेंगे और इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी, ताकि कल को अगर कोई बुरा समय हमारे ऊपर आया तो हम अपने गोल्ड के ऑर्नामेंट्स को बेच उस बुरे समय में सर्वाइव करने के लिए पैसा जुगाड़ लें। वैसे तो कोई भी अगर एक बार गोल्ड की ज्वेलरी खरीद ले तो उसे कभी भी बेचने की नहीं सोचता, चाहे सालों साल तिजोरी में बंद करके रखनी पड़े। आप पूरी ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से पूछे कि कल को अगर आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा मुश्किल समय आ गया तो क्या सच में आपके घर की लेडीज बुरा समय पड़ने पर आपको उनका गोल्ड बेचने देंगी? और अगर बेचने देंगी तो क्या वो दोबारा से नई ज्वेलरी की डिमांड नहीं करेंगी? आई नो इस सवाल ने आपको बहुत डीपली सोचने पर मजबूर कर दिया होगा, और इसका सवाल अभी आपके पास नहीं होगा। लेडीज अपनी गोल्ड ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स के साथ बहुत इमोशनली अटैच होती है, और बुरे समय में लेडीज का गोल्ड बेचना सबसे लास्ट में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि गोल्ड बेचना तो बहुत आसान है लेकिन गोल्ड की ज्वेलरी नए सिरे से बनाना बहुत मुश्किल। अब मान लीजिए कि आपके ऊपर बुरा समय आ गया और ऐसी नौबत आ गई कि उस बुरे दौर से गुजरने के लिए आपको गोल्ड की ज्वेलरी बेचनी पड़ गई, तो ऐसे में
आप उस बुरे समय में सर्वाइव करने के लिए तो ज्वेलरी बेच दोगे, लेकिन वही ज्वेलरी आपको नए सिरे से दोबारा बनाकर भी देनी पड़ेगी, और वो भी करंट गोल्ड प्राइस के रेट पर। और अगर भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रही और ऐसा बुरा समय आया ही नहीं जिसमें आपको अपनी लेडीज की गोल्ड ज्वेलरी बेचनी पड़ जाए, तो वही गोल्ड फिर सालों साल तिजोरी में बंद रहेगा और सिर्फ चुनिंदा खुशी के खास मौकों पर ही बाहर निकलेगा। और हर दिवाली, धनतेरस या किसी एनिवर्सरी के मौके पर आप गोल्ड के नए ऑर्नामेंट्स खरीदते रहेंगे और उसे तिजोरी में जमा करते रहेंगे, यही सोचकर कि कभी बुरा समय आएगा तो ज्वेलरी बेचकर सर्वाइव कर लेंगे। आप जो भी जितने की भी ज्वेलरी खरीदते हो वो सिर्फ आपको एक सेटिस्फैक्शन देती है कि आपने अपने पैसों से कुछ मीनिंगफुल खरीदा है। अदरवाइज देखा जाए तो यह सिर्फ अपने पैसों को तिजोरी में बंद करके रखने के बराबर है, जो टाइम के साथ साथ ग्रो तो होगा लेकिन आपको किसी तरह का कोई फायदा नहीं देगा। आसान शब्दों में कहूं तो गोल्ड एसेट से ज्यादा एक सिक्योरिटी है उस डेट के अगेंस्ट जिसे हम बुरे समय में सर्वाइव करने के लिए लेंगे, या गोल्ड एक लग्जूरियस आइटम है जिसे हम अपनी शान में चार चांद लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप गोल्ड ज्वेलरी को एज एन इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीद रहे हैं तो शायद आपको गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स को लेकर ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तभी आप अपने पैसों को गोल्ड ज्वेलरी के फॉर्म में इन्वेस्ट कर उन्हें ना चाहते हुए भी तिजोरी में बंद कर रहे हैं बिना उसका ज्यादा फायदा उठाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदो ही मत, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि गोल्ड ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट के तौर पर मत खरीदो। आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में गोल्ड होना ही चाहिए, लेकिन किसी ज्वेलरी की फॉर्म में नहीं, बल्कि गोल्ड ETF या गोल्ड बॉन्ड के फॉर्म में। इन फ्यूचर जब आप किसी ऐसी मुश्किल में फंसो जहां आपको अपने एसेट्स बेचने पड़ जाएं, तो ऐसे में गोल्ड बॉन्ड्स एंड ETF बेचने पर आपको इतना दुख नहीं होगा जितना दुख आपको अपनी गोल्ड ज्वेलरी बेचने पर होगा, क्योंकि गोल्ड बॉन्ड्स एंड ETF दिखते नहीं जिसे हम फील कर सके, लेकिन फिजिकल गोल्ड दिखता भी है और फील भी किया जा सकता है, जिससे हमारी इमोशनल अटैचमेंट उससे हो जाती है। और मुश्किल के समय में फिजिकल गोल्ड को बेचना कहीं ना कहीं हमारे लिए पेनफुल बन जाता है, इसलिए गोल्ड ज्वेलरी को सिर्फ और सिर्फ एक लग्जोरियस आइटम के तौर पर इस्तेमाल करें और इन्वेस्टमेंट्स के लिए दूसरी अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस नॉलेज का फायदा सभी उठा सकें और सभी फाइनेंशियली तौर पर इंडिपेंडेंट होने की राह पर चल सकें। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।